जैसे कि आपने कहा है कि टोपी की साम बेटियों के नाम, तो ये एक मैसेज है जो हमारे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कन्या सुमंगला के नाते दे रहे हैं, वही काम हमारी पंजाबी महासभा कर रही है। और ये आज यहाँ पे प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चार माओ का सम्मान यहाँ पे किया गया जिन्होंने बेटियाँ हैं जिनकी छोटी छोटी, और बेटियों की पहली लोहड़ी थी तो उनको उपहार भी दिए गए हैं। और काफ़ी महिलाओं ने यहाँ पे सजग हैं, पंजाबी महासभा वैसे भी गरीब महिलाओं की और गरीबों की निरंतर सहायता करती है, तो एक बहुत अच्छा नेक काम है जो सरकारी विभाग कर रहे हैं वही पंजाबी महासभा अपने इनोवेशन से कर रही है। और आज इस लोहड़ी कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एंजॉय के साथ साथ एक मैसेज जो समाज में सब देना चाहते हैं पंजाबी महासभा ने उसको एक्सेप्ट किया और आगे भी ले जा रही है। तो इसका मिशन शक्ति और बेटी बचाओ कन्या सुमंगला की जानकारी के साथ सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना भी, इतने एंजॉय के कार्यक्रम में भी उन्होंने ध्यान से सुना और सम्मान हुआ बेटियों का, ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगा मुझको इस कार्यक्रम में आके। हैप्पी लोहड़ी सभी को। पंजाबी महासभा विगत कई वर्षों से बेटियों की लोहड़ी मनाती आ रही है, क्योंकि वैसे परंपरा तो ये थी कि अब तक सिर्फ बेटों की लोहड़ी मनाई जाती है, लेकिन पंजाबी महासभा बरेली ने ये एक नया काम शुरू किया जो कि विगत बहुत वर्षों से वो कर रही है, क्योंकि उसकी नज़र में बेटे और बेटियों में कोई भी फर्क नहीं है, इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया। और आज यहाँ पर पंजाबी महासभा महिला इकाई और उसमें यहाँ पर चार बेटियों को और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया है। और ये कार्यक्रम इसलिए चलाया जाता है ताकि गर्ल चाइल्ड को प्रमोट कर सके, ताकि जिन भी लोगों के दिमाग में ये बात है कि बेटियां बेटों से कहीं कम है और कोर्ट में आने से पहले ही वो मार देते हैं, वो इस काम को नागरिक हत्या के लिए ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे समाज के लिए, और बेटियों को समाज को उतना ही स्थान मिलता है।